बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से मची तबाही का प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। वासी तहसील के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुपा राजा, इस दौरान उन्होंने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। बासी तहसील में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुपा राजा में बाढ़ पीड़ितों को किए खाद सामग्री का वितरण। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि असमय हुई बारिश ने जो तबाही मचाई है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारी बारिश और नेपाल के पानी की वजह से जो बाढ़ आई है, इससे निपटने के लिए हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। यहाँ के प्रशासन को आदेश दे दिया गया है, किसी को कोई परेशानी ना हो, बाढ़ पीड़ितों को राशन भी उपलब्ध कराई जा रही है। योगी सरकार पूरी तरीके से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। सिद्धार्थनगर से रविन कश्यप की रिपोर्ट। और जो बल्लभ इधर से पानी आता है उसके कारण हमेशा बाढ़ आता रहता है, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी के कारण इधर स्थितियाँ कंट्रोल में आती, लेकिन बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं था। ये था कि हम निकल गए, ये था कि 15 सितंबर निकल गए तो निकल गए, लेकिन दशहरा के समय बारिश भी और नेपाल में बारिश होने के कारण बाढ़ है। फिर इन परिस्थितियों से हम लोग पूरा प्रशासन लगा है, किसी को तकलीफ ना हो, दुख भी ना हो, राहत सामग्री भी राशन कोटे से भी वैसे भी दो दो बार तीन तीन जो भी आवश्यकता पड़ेगी लोगों को बांटा जा रहा है। भोजन के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं, दवा भी उपलब्ध है, सभी डॉक्टर यानी प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आज मैं स्वयं आया हूँ, कल आदरणीय योगी जी भी आएंगे। उन्होंने कहा नहीं जाकर देखना चाहिए सुपर जी, किसी गरीब को तकलीफ न हो, यानी पूरा सरकार सिद्धार्थ जनपद के साथ खड़ा है। जहाँ जहाँ भी बाढ़ से प्रभावित गांव है उन सभी गांवों की हम लोग चिंता करेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो गांव में रहने वाले लोगों का, उसकी भी चिंता करेंगे और हर प्रकार का सहयोग उनको भी सर किसी